एपिसोड नंबर 119 119। अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुल देवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुल देवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहां पर वर वधु एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्री राम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं। श्याम शरीर सुहाय सुहावन शोभा कोटि मनोजल जावन जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन जाए पीत पुनीत मनोहर धोती हरति बाल रवि दामिनी ज्योति कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर पीत जनेऊ महाछवि दे करमुद्रिका चोरी चितुले सोहत जाह साज सब साजे उर आयत उर भूषण राजे पियर ऊपर ना काखा सोती दुहुआ चरनी लगे नयन कमल कल कुंडल काना बदनु सकल सुंदर जनिधाना सुंदर भ्रुकुटि मनोहर नासा भाल तिलकु रुचिरता निवासा सोहत मोरु मनोहर माथे मंगलमय मुकुता मनि गाथे। सुमन सुत मागद बंदी सुजसु सुनावनी
सहित बधू टिन्ह कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भर उमगे उजनु जनवास जेवनार भई बहु भांति पठय जनक बोलाई बराती परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा सादर सबके पाय पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे धोए जनक अवधपति चरना सीलु सने हो जाए नहीं बरना बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महंगोए तीनियु भाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी आसन उचित सब ही नृप दीन है बोली सूपकारी सबलीन है सादर लगे परन पनवारे कनक कील मनी पान सवारे